हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैं अपने मैक में गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। तो सर्च बार में यहाँ पर आपने ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट tradingview.com आ जाएगी। आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू का फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है, क्योंकि वहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप का एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मैक ओएस का एक इंस्टॉलर नज़र आएगा, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से इसे फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पर ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करता हूँ और डाउन फोल्डर में जाऊँगा। डाउन फोल्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे डाउन किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसे डबल क्लिक करके इसकी इंस्टॉलेशन करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही है। इसके बाद आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप को एप्लीकेशन फोल्डर में कॉपी करना है। आपने यहाँ से ड्रैग करके एप्लीकेशन फोल्डर में लेके आना है और इसके बाद इसकी कॉपी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 370 MB की फाइल है जो कॉपी हो गई है। इसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर दें और लॉन्च पैड में जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। आपने जस्ट यहाँ से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इसके बाद इसकी वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपने ओपन बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन आपके मैक में ओपन हो जाएगी। तो आप अगर इसको लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ से, तो राइट कॉर्नर पर क्लिक करके आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को लॉगिन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ट्रेडिंग एप्लीकेशन आपके मैक में कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कुछ बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप इसकी कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो आप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके वहीं पर तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अकाउंट को यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप साइन इन विद ब्राउज़र करेंगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र होगा आपके मैक में, वो यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे ट्रेडिंग एप्लीकेशन को मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू वगैरह से भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप साइनअप करना चाहें तो यहाँ से आप साइनअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसे लॉगिन करना नहीं चाहता। तो आप इस तरह से ट्रेडिंग एप्लीकेशन को अपने मैक में बहुत आसानी से डाउन करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।